हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल मंचूरियन राइस। इसकी परफेक्ट और इजी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप इसे घर पे इजीली बना सकते हो। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने एक बार इस तरह से मंचूरियन राइस बनाया तो आप दोबारा इसे बनाना ज़रूर पसंद करेंगे। तो चलिए आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे दो मीडियम साइज बारीक कटा हुआ प्याज और साथ में ही तीन हरी मिर्च भी डाली है। अब डालेंगे एक कप कैबेज, इसे भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अब डालेंगे एक ग्रीन कैप्सिकम, और एक बारीक कटा हुआ गाजर। सारी चीजों को मैंने बारीक चॉप करके ही लिया है, आप चाहे तो मिक्सर में रफली एक बार घुमा भी सकते हो। अब डालेंगे मैदा, मैं यहाँ पे चार बड़े चम्मच मैदा ले रही हूँ। अब ये दो बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर। अब डालेंगे एक चम्मच लहसुन का पेस्ट, और एक छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर। अब इसमें जाएगा एक बड़ा चम्मच डार्क सोया सॉस। अब डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आज हम मंचूरियन में सारे वेजिटेबल्स चॉप करके ही डाले हैं, इसीलिए हमें मैदा और कॉर्नफ्लोर कम से कम यूज करना पड़ा है। अगर हम वेजिटेबल्स को मिक्सर में घुमा के यूज करते हैं तो वो बहुत ज्यादा पतला हो जाता है और पानी छोड़ने लगता है। उस केस में हमें मैदा और कॉर्नफ्लोर थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसके बॉल्स बना लेते हैं। आज हम मंचूरियन बॉल्स की साइज थोड़ी सी बड़ी रखेंगे, क्योंकि हम इसको राइस के साथ सर्व करने वाले हैं, इसलिए थोड़े से बड़े साइज के मंचूरियन ही अच्छे रहेंगे। हमारा एक बैच बॉल्स तैयार है, चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। तेल गरम करने के लिए रखा है, पहले थोड़ा सा डालकर चेक कर लेते हैं। देखिए, डायरेक्ट तेल में बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं और ये अच्छे से ऊपर आ गया है, यानी तेल हमारा परफेक्ट टेम्परेचर पे है। अब एक एक करके मंचूरियन बॉल्स डाल देते हैं। कंपैरिजन टू बाकी के पकोड़े या भजिए, ये बॉल्स फ्राई होने में थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं। बिना कोई राइस फ्लोर यूज़ किए भी ये अच्छे से क्रिस्पी बनते हैं। इसे अच्छे से मीडियम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट पकाएंगे और इसे बीच बीच में टर्न भी करते रहेंगे। थोड़ी देर बाद ये अच्छे से पक गए हैं, इसे निकाल लेते हैं। बिल्कुल इस तरह हम मीडियम फ्लेम पे बाकी के सभी बॉल्स भी फ्राई कर लेंगे। चलिए, अब नेक्स्ट एक पैन में 3 बड़े चम्मच तेल लिया है। तेल में डालेंगे 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, 1 कप लंबी कटी हुई प्याज, 1 कप लंबी कटी हुई ग्रीन कैप्सिकम। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, बहुत ज्यादा नमक नहीं डालेंगे, क्योंकि इसमें हम बाकी के सॉस भी डालने वाले हैं और सभी सॉसेस में नमक होता है।
प्याज और कैप्सिकम को बस हल्का सा ही तेल में फ्राई कर लेते हैं, इसे बहुत ज्यादा ओवरकुक नहीं करना है। अब डालेंगे 3 बड़े चम्मच सोया सॉस, 1 बड़ा चम्मच रेड चिली सॉस और 1 चम्मच टोमेटो केचप और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब डालेंगे कॉर्नफ्लोर की स्लरी, यानी 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर में थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब डाल देते हैं फ्राइड मंचूरियन बॉल्स। ऊपर से डालेंगे थोड़े से कैबेज और अब डालेंगे कुक्ड राइस। राइस पकाते समय ऑलरेडी नमक डाला है, इसलिए अब हम कोई एक्स्ट्रा नमक नहीं डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपके पास स्प्रिंग ऑनियंस अवेलेबल है तो आप यहाँ पे स्प्रिंग ऑनियंस डाल सकते हो। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा वेजिटेबल मंचूरियन राइस बनके तैयार हो गया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जल्दी से नीचे लाइक बटन दबा दीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।